Now the last day of lecture salary is now ये जो concept है that's called pension. आपने सुना होगा कि जब एक इंसान retire होता है तो उसे आप pay नहीं देते, pay के बदले देते उसे pension. मतलब as a pay ही आप treat करोगे. Pension होता क्या है, अब वो काम नहीं करता है, no longer he works in a company or he works in an office. तो उसके बदले इसे दिया जाता है एक पैसा जिसे आप क्या कहते हैं, pension. Is it clear? समझ आ रहा है. तो when an employee retires, he receives a certain amount, either monthly or in lump sum. अब देखो, आपको पता है monthly pension, क्योंकि usually लोग लेते हैं monthly. ये pension जो है ना, या तो हम monthly पकड़ सकते हैं, क्या पकड़ सकते हैं, या तो इकट्ठे पकड़ सकते हैं. मालिक फॉर एग्जाम्पल, इसे कहा गया हम आपको देंगे 20 लाख रुपए. डायरेक्ट क्या कहा गया, तो इकट्ठे दिया ना ये पैसा, इट्स कॉल्ड लमसम. क्या कहते हैं इसे, समझ आया, व्हाट वी कॉल इट, लमसम पेंशन. क्या कहते हैं, लमसम पेंशन. ठीक. तो पेंशन क्या होता है, जब एक एम्प्लॉय रिटायर होता है तो एम्प्लॉयर उसे कुछ पैसा देता है, या तो मंथली देगा या तो देगा लमसम में. ठीक है. फ्रॉम दिस वी कैन से दैट पेंशन इज ऑफ टू टाइप्स. इट्स ऑफ से फर्स्ट वन मंथली पेंशन. क्या बेटा, एंड द सेकेंड वन लमसम पेंशन को कहते हैं कम्यूटेड पेंशन. क्या कहते हैं, कम्यूट मीन जमा, कम्यूट मीन्स जमा. इज इट क्लियर, टफ लगा, समझ आ रहा है. अगर मंथली पेंशन होगा ना, क्या होगा, मंथली पेंशन बेटा, इट इज टैक्सेबल. क्या बेटा, टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉइज, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो. सो इट इज टैक्सेबल. मंथली पेंशन जो है वो क्या है. अब जो कम्यूटेड पेंशन है ना, कम्यूटेड पेंशन, इसके है दो रूल्स. किसके, समझ आ रहा है. सो मंथली पेंशन आपने कहा, सो मैं यहां पे लिखता हूं पहले, मंथली पेंशन क्या है बेटा, इट इज टैक्सेबल बेटा. किसके लिए, फॉर All types of employees. Is it clear? For all type of employees. Now there is commuted pension. What is there? Commute means jama. ठीक है, इसके हैं दो rules. For government employee, बेटा याद रखो, जमा मतलब इकट्ठे जो हम लेते हैं. For government employee, it is exempt. अगर government employee होगा क्या होगा, हाँ, monthly pension जो है ना, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, इट इज टैक्सेबल. ठीक. अब जो कम्यूटेड पेंशन है, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फॉर इट इज एग्जेम्प्ट. फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यहां पे है ना नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वहां पे दो रूल्स है. प्लस ही इज अ ग्रेच्युटी होल्डर, इसने क्या पकड़ा है, ग्रेच्युटी. 1/3 ऑफ फुल कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जेम्प्ट. मतलब 1/3, मैं दिखाऊंगा ना क्वेश्चन में ही, आप याद रखेंगे इस वक्त. फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस क्या है वो, हाँ, दूसरा होगा फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड ही इज नॉट अ ग्रेच्युटी. यहां पे है 1/3 और यहां पे है 1/2, मगर टर्म इज फुल कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन इज एक्सेप्ट. क्या बेटा, यहां तक ठीक, कोई पॉइंट समझ नहीं आया. तो पहले मैंने कहा मंथली पेंशन इट इज टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज. अब लमसम में, लमसम में पहले कहा मैंने फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट. फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसके है दो रूल, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस ग्रेच्युटी होल्डर, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस ही इज नॉट ग्रेच्युटी होल्डर. अगर वो ग्रेच्युटी होल्डर है 1/3 एग्जेम्प्ट, मगर ठीक है. और यहाँ पे क्या है, 1/2. इज इट क्लियर, इज इट क्लियर. ओके, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन. Mr. Amir retired on 31/12/23 and his pension was fixed at 3600 per month. He got 3/4 of the pension commuted for which he received 1,80,000 from his employer. Baat samajh na, iska jo tha na pension tha fixed 3600 per month, yahan tak samajhna pehle. Aur isne 3/4 liya pension commuted, iska 3/4 liya. 3/4 हिस्सा जो है वो इसे बनता है 1,80,000. कितना बनता है, तो फाइंड आउट टैक्सेबल अमाउंट ऑफ कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन. अगर ये ग्रेच्युटी होल्डर है, अगर ये ग्रेच्युटी होल्डर नहीं है, बात समझना.
बात समझना है. इज इट क्लियर? तो मैं आपको ऐसे बताता हूं, दो चीजों में ये डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे? दो चीजों में ये डिवाइड करेंगे. इतना था अभी चाय मौजूद लिख दिए ऐसे. सबसे पहले सॉल्यूशन में कम्यूटेड पेंशन. बेटा कितना पकड़ा इसने, पॉइंट समझ आया? कितना पकड़ा इसने? 180,000. अब पहला है ना, ही गेट्स ग्रेच्युटी, है ना, ग्रेच्युटी लेस एक्सेम्प्ट. ग्रेच्युटी में कितना एक्सेम्प्ट था? 1/3 ऑफ फुल कम्यूटेड पेंशन. बेटा क्या फुल? सर ये तो समझ नहीं आया, फुल कम्यूटेड पेंशन का मतलब क्या है? इस बात का ख्याल रखना, इसने ये 180,000 पकड़ा. कितना पकड़ा? 180,000. मगर ये है 3/4. कितना है ये? यहां देखो क्या है ये, है ना, 3/4. मतलब चार हिस्सों में से ये तीसरा हिस्सा है 180,000. टोटल है ये चार हिस्से, टोटल है ये, दैट इज द फुल वैल्यू, दैट इज द. तो अगर मुझे निकालना होगा ना फुल कम्यूटेड पेंशन, क्या निकालना होगा? इज इट क्लियर? क्या निकालना होगा? हाँ, तो कम्यूटेड पेंशन कितना है? 180,000. इसको करना है रेसिप्रोकल. क्या करना है? ये था ना 3/4 हिस्सा, इसे करेंगे 4/3. टफ लगा? नहीं, समझ नहीं आया. क्या करेंगे? समझ आया? सो व्हाट यू कॉल दिस फुल कम्यूटेड पेंशन? तो ये आएगा 2,40,000 आपका. क्या आएगा? इसका 1/3 है. पहले पॉइंट समझाया, फिर से समझना. ये जो ये फुल कम्यूटेड पेंशन है ना, he get 3/4 of the pension commuted. 3/4 मतलब चार हिस्सों में तीन हिस्से इसने पकड़े, कितना बनता है? सर एक हिस्से का क्या किया इसने? एक हिस्सा पकड़े गए मंथली, समझ आ रहा है? एक हिस्सा क्या पकड़े गए, वो तो होगा टैक्सेबल, लेकिन हम इस वक्त पहले सीख रहे हैं ये. क्या सीख रहे हैं? ये हमने कितना पकड़ा? 180,000. तो इसका 1/3 एग्जेम्प्ट नहीं है. जितना टोटल होता ना, उसका 1/3 एग्जेम्प्ट है. टोटल कितना आया? 2,40,000. सो दैट इज 80,000. और 1,00,000 रुपए आपका है टैक्सेबल. इज इट क्लियर? समझ आया? ये था ग्रेच्युटी होल्डर. अब दूसरा, इफ ही इज नॉट अ ग्रेच्युटी होल्डर. हाँ, कितना इसने पकड़ा कम्यूटेड पेंशन? कम्यूटेड पेंशन 1,00,000. यहां तक ठीक? 1,80,000. लेस करेंगे एग्जेम्प्ट 1/2 ऑफ फुल कम्यूटेड पेंशन. ये पॉइंट समझ आया फुल क्या है? बिकॉज दिस इज नॉट फुल कम्यूटेड पेंशन. बेटा ये जो है ना, ये कम्यूटेड पेंशन, ये है 3/4. क्या है? है ना, टोटल 3/4 थी. पॉइंट समझ आया? जितना मैं पेंशन पकड़ सकता ना इकट्ठे, ये उसका 3/4 है. ये क्या है उसका? अब मुझे बताओ, फुल कम्यूटेड पेंशन निकालना है ना, फुल कम्यूटेड पेंशन. वेरी गुड. वन लाख 80,000 इंटू 4/3, सो दैट्स इक्वल 2,00,000. टफ लगा? 1/2 ऑफ 2,40,000, सो दैट्स इक्वल टू 1,20,000. सो यहां पे आएगा आपका 60,000 एंड दिस इज टैक्सेबल. दिस इज टफ लगा, टफ लगा बेटा, कॉपी इट. ठीक, वी हैव क्वेश्चन पेंशन का. आपको पता है कि ये जो लिखा है, चलो फाइंड आउट द टैक्सेबिलिटी ऑफ पेंशन इन द फॉलोइंग केसेस. वी हैव केस फर्स्ट,
Mr. Danish retires from a public limited company on 31st August 23 and his pension was fixed at 1500 per month. Ye per month hai na? Monthly pension, what is it? It is taxable. Monthly pension jo hai, what is that? Taxable. Haan. Magar yaad rakhna, question keh raha hai, in all cases, pension become payable on the first day of each month. First day of, matlab, Jan ki salary kab pakdenge? Feb mein. Feb ki salary? March mein. Okay. Retire kab hua ye? Retire hua ye 31st August. Kab hua retire? Ab pension kab se pakdega ye? September ki salary kahan pe padega? October. So you have to count October to March. Is it clear? Point samajh aaya? Tough laga. October to March. Okay. Mr. Danis retires from government service 30th September 23 and his pension was fixed at 1000 per month. Samajh aa raha hai? Ab mujhe batao. Ye hai na 1000 per month. Hua kab ye? September mein. रिटायर हुआ सितंबर में तो अक्टूबर से पेंशन पकड़ेगा लेकिन काउंट कब से करना है नवंबर से समझ आ रहा है ऐसे ही ये केसेस हम देखते हैं पहले पहला केस हाँ मिस्टर दानिश रिटायर्स फ्रॉम अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ऑन 31st अगस्त 23 एंड हिज पेंशन वाज फिक्स्ड एट 1500 पर मंथ समझ आ रहा है तो हम लिखेंगे बेटा जो हमें नंबर ऑफ मंथ्स होंगे ना जो नंबर ऑफ मंथ्स होंगे बेटा वो होंगे फर्स्ट सितंबर से पकड़ेगा ये सितंबर की सैलरी कहाँ से पकड़ेगा अक्टूबर सो अक्टूबर टू मार्च अक्टूबर नवंबर दिसंबर छह महीने ठीक है तो मंथली पेंशन हम लिखेंगे ठीक मंथली पेंशन बेटा क्या है ये टैक्सेबल इज इट क्लियर 1500 into 6 that's equal 9000 tough mat laga nahi sach bataye tough mat laga yahan tak theek okay second mr dan retires from government service on 30th september 23 september 23 retire ho gaya october se pakdega ye kya salary october se pakdega pension ab mujhe batao october ka kab pakdega ye november mein october ka pakdega kahan pe november mein theek नंबर ऑफ मंथ्स जो होगा देखो सितंबर में हो गया रिटायर अक्टूबर में पकड़ेगा पेंशन लेकिन अक्टूबर का पेंशन कब नवंबर में तो नवंबर टू कितना है फाइव मंथ्स नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च सो मंथली पेंशन टैक्सेबल कितना है हजार है ना हजार पर मंथ है ना इनटू फाइव दैट्स इक्वल 5000 इज इट क्लियर केस तो समझ आए नाउ वी हैव थर्ड केस मिस्टर दान रिटायर्स फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट सर्विस रिटायर कब हुआ है 30th जून 23 हाँ एंड हिज पेंशन वाज फिक्स्ड एट 1200 पर मंथ याद रखिए रुको ना एक मिनट पहले ये पूरा पढ़ना है ना And his pension was fixed at 1200 per month. ठीक है पहले आप दो answers देखिए क्या हमें बराबर आए पहले का 9000 दूसरे का 5400 5000 ठीक डन अब जो तीसरा है ना मिस्टर दान रिटायर्स फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट सर्विस ऑन 30th जून 23 एंड हिज पेंशन वॉज फिक्सड 1200 पर मंथ इसका 1/3 ये मिलता है कम्यूटेड इसे 60000 क्या मिलता है समझ आ रहा है देखो 1/3 है ना 6000 का 60000 का ना 1/3 ऑफ हिज पेंशन इसने 1/3 1200 का ले लिया 60000 इकट्ठे क्या ले लिया सो दिस इज कम्यूटेड पेंशन पहले मुझे बताओ पॉइंट समझ आया पहले ये हाँ ये है ना कम्यूटेड पेंशन रूल क्या था हमारा देखो एक मिनट मंथली पेंशन क्या है पहले टैक्सेबल फिर मैंने कहा कम्यूटेड पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय एग्जेम्प्ट है ना ये कम्यूटेड पेंशन है ना फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्यूटेड पेंशन
for government employee. बेटा क्या है, पहले पॉइंट समझ आए? इज इट क्लियर? कम्यूटेड वैल्यू पेंशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, व्हाट इज इट? एक्सेंट. अब मुझे बताओ, नाउ देयर रिमेन्स मंथली पेंशन. क्या बेटा समझ नहीं आया? 1200 का 1/3 हिस्सा इसने ले लिया. अब जो मंथली पेंशन है ना, मंथली पेंशन, देखो 1200 का 1/3 ले लिया इसने. अब बचा कितना? तीन हिस्सों में से इसने एक हिस्सा ले लिया, बचा कितना? दो हिस्से इंटू 2/3, दैट इज इक्वल टू 800. मतलब हर महीने ये 800 पकड़ेगा. टफ लगा? समझ नहीं आया? ये तो आया एक महीने का. हाँ, पेंशन कब से ले रहा है ये? दानिश रिटायर्स फ्रॉम जून गवर्नमेंट ऑन 30th June. ठीक है, तो जुलाई से पकड़ेगा ये. एक मिनट, जुलाई से पकड़ेगा ये, एक जुलाई से पकड़ेगा. जुलाई का कब पकड़ेगा? अगस्त में. जुलाई का कब पकड़ेगा? अगस्त में. अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च. समझ आया? इंटू 8, सो 6400 इज योर आंसर. फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ. समझ आया? तो जैन की सैलरी कब पकड़ेंगे? फेब में. जून की? जुलाई में. यहां तक ठीक बेटा? यहां तक ठीक आया ये पॉइंट? पहले कम्यूटेड वैल्यू, कम्यूटेड पेंशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, व्हाट इज इट? एग्जाम. अब मंथली पेंशन क्या है बेटा? 6400. टफ मत लगा, नहीं सच बताए, टफ मत लगा. ओके, वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, केस 4. मिस्टर दानिश रिटायर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर ऑन 30th April 2023. ठीक है, प्राइवेट सेक्टर है ये, एंड हिज पेंशन वॉज फिक्स्ड 1500. ही गेट्स 1/2 ऑफ हिज पेंशन कम्यूटेड एंड गेट्स 18. ये है ना प्राइवेट? नहीं समझ आया? ठीक. ही ऑल्सो रिसीव्ड 75,000 एज ग्रेच्युटी. इट मीन्स ही इज अ ग्रेच्युटी होल्डर, ही इज अ. टफ मत लगा. पहले सॉल्यूशन में हम कहेंगे ऐसे, कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड, जो कम्यूटेड पेंशन है ना बेटा, वही है ना 1/2, मतलब हाफ कितना पकड़ा इसने? 80,000. टफ लगा? सच बताओ ना, इज इट क्लियर? हाँ, लेस क्या करेंगे? लेस करेंगे एग्जेम्प्ट 1/2, 1/2 ऑफ फुल कम्यूटेड, फुल कम्यूटेड पेंशन, 1/2 ऑफ फुल कम्यूटेड पेंशन. बट यू हैव टू फाइंड आउट द कम्यूट, फुल कम्यूटेड पेंशन निकालना है ना. फुल कम्यूटेड पेंशन का किसके बराबर होगा? क्या वो एग्जेम्प्ट है? वो एग्जेम्प्ट है. हाँ हाँ, यहाँ पे 1/3 है. अगर ये ग्रेच्युटी होल्डर है, यहाँ पे है 1/3 इफ ही इज अ ग्रेच्युटी होल्डर. लेकिन फुल कम्यूटेड पेंशन जो है ना, फुल कम्यूटेड पेंशन कितना है ये? 80,000. इसने कितना पकड़ा था ये? इसे क्या करते हैं? सो दैट्स इक्वल टू 1,00,000. ये बना फुल कम्यूटेड पेंशन. तो 1/3 ऑफ 1,60,000. जरा कीजिए, देखिए कैलकुलेटर, टक टक, डिवाइडेड बाय 3, दैट्स इक्वल 53,003. इज इट क्लियर? That's equal to 2,667. ये तो एक है ना, मगर ये क्या है? कम्यूटेड पेंशन. क्या है? अगर हम मंथली पेंशन देखेंगे ना, मंथली पेंशन इज टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज. मंथली पेंशन, अब जो मंथली पेंशन होगा ना, बात मेरी समझिए. 1500 का 1/2 इसने ले लिया, 1500 का 1/2 इसने ले लिया. अब बचा 1500 का और 1/2, दैट्स इक्वल 750. इनटू करेंगे नंबर ऑफ मंथ्स. एक बात, 30th अप्रैल रिटायर हो रहा है, तो मई से पकड़ेगा सैलरी पेंशन. अप्रैल की बात आता है, मई से पकड़ेगा. लेकिन मई का कब पकड़ेगा? जून में.
जून से काउंट करें, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 10 महीने. सो इनटू क्या करना है, 10. सो 7,500 आता है मंथली पेंशन टैक्सेबल. टफ लगा शायद, ये इतना टैक्सेबल. इज इट क्लियर? सच बताइए ना बेटा. ठीक, यहां तक ठीक? कोई क्वेश्चन अगर आ सकता है आएगा ये क्वेश्चन? ठीक है, ये है ना वो 2666 है. यहां तक ठीक? अब लास्ट रूल और खत्म. सैटरडे देखिए, लॉस्ट रूल ऑफ सैलरी दैट इज लीव एंड कैशमेंट. ये पता है ना आपको, लीव एंड कैशमेंट मैंने जो पहले ही पढ़ाया था, लीव एंड कैशमेंट ऑफ सैलरी इट इज टैक्सेबल. लेकिन होता क्या है ये बताऊंगा आज. मतलब एक एम्प्लॉय को लीव्स होती है अलॉट. सपोज कि उसे एक साल में वो 30 days ऑफ कर सकता है. क्या कर सकता है? 30 days ऑफ. तो एम्प्लॉयर क्या करता है, वो इसे कहता है आपको 30 days ऑफ है, अगर आप ये नहीं लोगे हम इसके बदले आपको पे भी करेंगे. समझ आ रहा है? इसीलिए ये एम्प्लॉय होते नहीं, कंजूस होते हैं, हर दिन जाते हैं. क्यों? इस महीने को बचाने के लिए. समझ आया? सो लीव एंड कैशमेंट का रूल है फुली, जो रूल हम पढ़ने जा रहे हैं, लीव एंड कैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस. जब ये काम करता है, जब ये काम और इसने वो लीव्स कैश की, मतलब इसको एक महीने अलॉट था, ये लीव ले सकता था, इसने नहीं ली और उस महीने के लिए इसने पैसा ले लिया. हाँ, अगर काम के दौरान इसने ले लिया ना लीव एंड कैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस, बेटा इट इज टैक्सेबल. व्हाट इज इट? फुली, जैसे कि हमने लिया था ना, जैसे हम क्वेश्चन करते थे, मगर वो था लीव एंड कैशमेंट ड्यूरिंग. यहां तक ठीक? ओके. लीव एंड कैशमेंट ऑन लीविंग जॉब, जब हम काम छोड़ेंगे या रिटायर होंगे, तो सबसे पहले फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज एग्जेम्प्ट. इसीलिए रिश्ते वाले ढूंढते हैं क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने चाहिए, क्योंकि इसे कितने बेनिफिट्स है. समझ आ रहा है? ओके, फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट इज एग्जेम्प्ट. समझ आ रहा है? फॉर नॉन लीविंग जॉब का मतलब कोई वॉलंटरी रिटायर करता ना और मुझे नहीं काम करना. ठीक, ओके. फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय याद रखना, इट इज एग्जेम्प्ट अप टू लीस्ट ऑफ द 4 items. क्या बेटा? एग्जेम्प्ट अप टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. बेटा वो रूल मैं अभी पढ़ाऊंगा, अलग पढ़ाऊंगा पहले. हाँ, 4 items. ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग 4 items. हाँ, अलबत्ता नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय लीव एंड कैशमेंट आफ्टर डेथ, वो मर गया उसके बाद हमने उसकी लीव एंड कैश की, एक्सेप्ट. पॉइंट समझ आया? 4 marks आते हैं ना आपको. गिव द टैक्सेबल ट्रीटमेंट ऑफ लीव एंड कैशमेंट. लीव एंड कैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस टैक्सेबल. लीव एंड कैशमेंट ऑन लीविंग जॉब ऑन रिटायरमेंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. समझ आया? एक्सेप्ट. फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सेप्ट अप टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग. ठीक, लीव एंड कैशमेंट आफ्टर डेथ एग्जेम्प्ट. अब जो ये पॉइंट है ना, लीव एंड कैशमेंट ऑन रिटायरमेंट फॉर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मैंने कहा था ना इट इज एग्जेम्प्ट. क्या? इट इज एग्जेम्प्ट अप टू लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 items. ठीक, एंड बैलेंस इफ एनी टैक्सेबल. जस्ट ये रूल आप याद रखेंगे. ठीक, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एज लीव एंड कैशमेंट पहला. एक्चुअल अमाउंट अप्रूव्ड, अप्रूव कितना हुआ है लीव सैंक्शन के लिए. पकड़ा और अप्रूव फर्क है थोड़ा. समझ आ रहा है? एक्चुअल अमाउंट यहाँ पे रिसीव्ड है, यहाँ पे क्या है अप्रूव्ड. कितने हो गए? 2. तीसरा है 10 months एंड द फोर्थ वन इज नोटिफाइड लिमिट 3 lakh. इन में से जो छोटा हो वो एग्जेम्प्ट है, बाकी क्या है टैक्सेबल. यहां तक ठीक? ये रूल आपको याद रखना है. यू विल गेट योर फुल मार्क्स अगर थ्योरेटिकली ये आया. ठीक है, लेकिन सर अब तो आपने ये यहां तक किया, हमने पहले ग्रेच्युटी पढ़ा,
ग्रेच्युटी पढ़ा, ग्रेच्युटी फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय इट्स एक्सेप्ट, कौन सा ग्रेच्युटी, इसके बाद पेंशन पढ़ा। अब एक क्वेश्चन है हमें यहां पे, ये इस क्वेश्चन के लिए मैंने ये सारे रूल्स आपको दिखाए, ठीक है। आप एज्यूम करें दिस इज द क्वेश्चन वी हैव, ओके। क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर राजू एज सर्जन इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंडिकेट्स इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक। रिटायर्ड इस दिन हो रहा, ही ज्वाइंड अस एडवाइजर पार्ट टाइम फ्रॉम 1/9/23, हिज अदर पर्टिकुलर्स फॉर द ईयर ड्यूरिंग दिस आर सैलरी ड्यूरिंग गवर्नमेंट सर्विस, सैलरी इज टैक्सेबल। एचआर है, अपने घर में रह रहा है, टैक्सेबल, इसमें वो नहीं आएगा। एचआर है, अपने लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थ्री आइटम्स एक्सेप्ट, क्योंकि वो रूल है किसके लिए, जो रेंटेड हाउस में रहता है। एचआर है अपने, है ना, ये अपने घर में रह रहा है। इसके बाद ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ग्रेच्युटी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक्सेप्ट, समझ आए। लीव एंड कैशमेंट ऑन रिटायरमेंट एक्सेप्ट, अभी कहा। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन एक्सेप्ट, इज इट क्लियर। ये खर्चा हुआ है, जो खर्चा हुआ है ना, इसे बात समझना क्या हुआ है। हम खर्चा रिकॉर्ड नहीं करते, हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं। क्या रिकॉर्ड करते हैं, ओके, जो इसका पेंशन है ना 2,16,000, इट इज मंथली पेंशन, सिंपल दिया है ना पेंशन, क्योंकि ऊपर दिया है ना कमिटेड वैल्यू ऑफ पेंशन, तो ये जो नीचे है पेंशन ये मंथली होगा। और अमाउंट रिसीव्ड एज एडवाइजर, इसी हॉस्पिटल में इसने पैसा पकड़ा, इट इज टैक्स, समझ आ रहा है। तो देखो क्वेश्चन क्या है बेटा, बताओ मुझे, सैलरी है कितना है, सैलरी 5 लाख, वेरी गुड। इसके बाद एचआर अपने घर में 96,000, और क्या है बेटा, ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ग्रेच्युटी ब्रैकेट में लिखना क्या है, ये ग्रेच्युटी रिसीव्ड क्या है, एग्जेम्प्ट, हमें क्यों लेना है, ग्रेच्युटी रिसीव्ड क्या है, एग्जेम्प्ट, लीव एनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट, मगर ये है ना बेटा क्या है, ये है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉय। टफ लगा बेटा, टफ लगा बेटा, क्या है ये, इज इट क्लियर। इसके बाद कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन क्या है, मगर किसे है एग्जेम्प्ट, कम्यूटेड पेंशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, व्हाट इज इट, टफ लगा। एक्सपेंस ऑन बुक्स एंड एक्सपेंस हम रिकॉर्ड नहीं करते, वी रिकॉर्ड इनकम, बिकॉज इनकम फ्रॉम सैलरी, ओके। देयर इज पेंशन, दिस इज मंथली पेंशन, व्हाट इज इट, हाउ मच इट इज, मंथली पेंशन 2 लाख, और है एडवाइजर, हाँ, अमाउंट रिसीव्ड टोटल कीजिएगा 1,50,000, और ये जो ये बनेगा, ये बनेगा बेटा आपका, क्या बनेगा बेटा, व्हाट यू कॉल इट, यू कॉल इट ग्रॉस सैलरी, और जो लेस करेंगे आप बेटा वो करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन IA, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन बेटा, वो सो यहां पे आ रहा है 10,38,000, ये करेंगे माइनस, सो 9,88,000 इज योर इनकम फ्रॉम सैलरी, विद दिस आपका सैलरी खत्म होता है, समझ आ रहा है, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, जो हमें इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ रहे हैं, अगर आपने ये लेक्चर देखा, इट मीन्स आपने सैलरी यहाँ तक पढ़ा, तो जस्ट ड्रॉप अ सिंगल कमेंट कि आपको सैलरी समझ आया कि नहीं, एंड ये भी बताएं कि आपको आगे जाके वीडियोस देखने हैं
किसी और टॉपिक के वीडियो बनाने हैं, अगर बनाने हैं वो भी कमेंट में बताएं, एंड डू रेट दिस लेक्चर्स कि आपको कैसा लगा है. ठीक है, रखिए अपना ख्याल, अल्लाह मक लियो भाई यार.